सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि सरकार दागी माननीयों के लिए एक विशेष कोर्ट बनाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के अंदर योजना की विस्तृत जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय ने स्वागत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार को जल्द योजना बनाने की बात कही। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि इससे यह आसानी हो जाएगी कि इसमें इस जो अदालत बनेगी उसमें सिर्फ उन दागी विधायकों का या सांसदों का मामला आएगा जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, और जो केस चलते चलते एक पूरा पूरा सत्र समाप्त हो जाता है, सत्र क्या पूरा है 5 वर्ष समाप्त हो जाता है और केस का फैसला नहीं होता, और दूसरा उनका शुरू हो जाता है सत्र और तब भी फैसला नहीं होता, तो सबके मन में दो तरह की भावना होती है। एक तो है कि दागी होते हुए सब मान लेते हैं कि वो दागी हैं, तो जिन लोगों को दागी नहीं है वो उधर अगर छूट जाएंगे तो चलिए उनका उनका दाग धुल गया, साफ हो गया, लेकिन जो वास्तव में दागी हैं और जिनके बारे में जनता भी सोचती है कि दागी तो हैं ही सही लेकिन उनके ऊपर कोई केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता, उनको कम से कम जब ये फैसला हो जाएगा कि नहीं वो दागी हैं और उनको उसमें सजा हो जाएगी, मान लिया जाएगा कि उनके ऊपर जो केस चल रहा है सही है, तो फिर वो कम से कम राजनीति से अलग हो जाएंगे, राजनीति से कम से कम लोकसभा में और विधानसभा में कम से कम नहीं रह पाएंगे, बाकी बाहर रह करके जो राजनीति करें करें, और फिर जब एक बार उनकी इमेज इस तरह खराब हो जाएगी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जैसे फास्ट कोर्ट का गठन किया गया है उसी तर्ज पर केवल नेताओं के मुकदमे सुनने के लिए विशेष कोर्ट होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।